New Hope TV, your encounter with God. Take me to the book of Luke chapter 7 right now. चलिए निकालेंगे लूका का सातवां अध्याय इस वक्त. Now when Jesus had concluded all his sayings in the hearing of the people. जब यीशु ने ये बात सारी बातें लोगों के सामने कह चुका. He entered Capernaum. तब वह कफरनहूम में आया. You see, Capernaum is the headquarter, was the headquarters of the ministry of Jesus for quite some time. हम देखते हैं कफरनहूम जो था कुछ समय के लिए यीशु की सेवकाई का मुख्य केंद्र हुआ करता था. And a certain centurion's servant was who was dear to him was sick and ready to die. और वहां के सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने वाला था. A centurion is like today's colonel or lieutenant colonel in the army and so forth. और सूबेदार जो होता है जैसे कि आज के सेना में आज के फौज में जो कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर और व्हाटएवर मेजर जो भी होते हैं. And notice over here, the servant was dear to him. और गौर करें कि वो दास जो था वो सेवक जो था उसका बहुत ही प्यारा था. How do you know what kind of person you are? और कैसे आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? How much of God is at work in you? कितना परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है? Is how you treat the people that don't mean anything to you, or rather cannot do anything in return for you. ये इससे जाहिर होता है कि आप उन लोगों के साथ या उन लोगों के लिए क्या बर्ताव करते हैं या क्या आप करते हैं जो आपके वापस आपके किए हुए भलाई के कामों का कुछ लौटा ना सकें. You see, the centurion servant was dear to him. A servant was insignificant. You know, you can just, those days they were slaves. But this man was dear to him. You as a manager, how do you deal with the people under you? सुबेदार का वह सेवक जो उसके लिए बहुत ही प्यारा था. देखिए वैसा देखा जाए तो उसकी कुछ खासियत नहीं होती एक दास की. वो तो तब गुलाम हुआ करते थे लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वह सुबेदार उससे बहुत प्यार करता था. एक मैनेजर होने के नाते आप आपके नीचे के लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं? As a business owner, how do you deal with the people under you? Do you deal with them with the compassion of God? एक व्यवसाय के मालिक होने के नाते आपके अधीन में आपके नीचे जो लोग हैं उनके साथ आप किस तरह का बर्ताव करते हैं? क्या परमेश्वर की तरह से दया उन पर आप दिखाते हैं? As a leader, एक अगुवे के रूप में, whoever you are, या फिर जो कोई भी आप हैं, how do you deal with people those are under you? How do you relate with them? Are they dear to you or are you just not talking to them properly? किस तरह का बर्ताव आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं? क्या आप वे आपके लिए प्यारे हैं या फिर आप को कुछ लेना देना ही नहीं रखते उनसे? This is a management principle. और ये मैनेजमेंट का सिद्धांत है. You know, when you pat dogs, you know, they don't have understanding, much understanding, but even dogs will follow you wherever you go. What about humans? और देखिए जब आप कुत्ते जब जानवर जो होते हैं कुत्ते ह्यूमन बीइंग्स अब थपथपाते हैं तो देखिए वो ज्यादा कुछ समझता नहीं लेकिन फिर भी वो आपके पीछे आ जाता है. तो इंसान के बारे में क्या? दिस सेंचुरियन ये सुबेदार his servant was dear to him. उसका सेवक उसके लिए बहुत ही प्यारा था. And see what it says. गौर करें. The servant was sick and ready to die. और वो सेवक बीमार था और मरने वाला था. Love should be the motivation for every service. प्रेम ही हर एक सेवक के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए. You know, we only do favors for the people who do favors for us in return. और देखिए हम सिर्फ उन्हीं पर मेहरबानी दिखाते हैं जो लोग बदले में हम पर मेहरबानी दिखा सकें. So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant because you see he was a Gentile. आगे देखते हैं उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर उसके सेवक को चंगा करे. आप देखते हैं वह सूबेदार एक अन्य जाति व्यक्ति था. So that's why he couldn't directly talk to Jesus. इसी वजह से सीधे वो यीशु से नहीं बोल सकता था. But he knew how to access Jesus. लेकिन वो जानता था कि कैसे यीशु तक पहुंचना है. He spoke to the elders of the Jews. और यहूदियों के जो पुरनिय लोग हुआ करते थे उनसे उसने बोला. That means he knew protocol. Everyone say protocol. इसका मतलब उसे कायदा कानून पता था. He spoke to the Jewish elders and said, "Look, my servant is not well. I want you to talk to Jesus for me and get my servant healed." उसने यहूदियों के पुरनियों के पास आकर कहा कि देखो मेरे सेवक ठीक नहीं है, वो बीमार है और मैं चाहता हूं कि आप यीशु से बोलें कि यीशु मेरे सेवक को चंगा करें. And when they came to Jesus, they begged him. The Jews come to Jesus, they begged him earnestly, saying, "The one whom you should do this is deserving." वे यीशु के पास आए और यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे. They come to Jesus and say, "Jesus, you must imagine the Jewish leaders negotiating with Jesus, the Son of God." और यहाँ पर देखते यहूदी अगुवे लोग यीशु मसीह के पास आकर देखे एक सौदा जैसा कर रहे हैं. You don't find them doing this elsewhere. और दूसरे कहीं जगह पर आप ये नहीं पाते ऐसा करते हुए. ये Jewish elders negotiating with Jesus, "Jesus, I know, please cancel your appointments.
You have to come to this guy's house. और आप देख सकते हैं कि यहूदी जो अगुवे जो थे वे आकर यीशु के पास विनती याचना करने लगे कि आपका दूसरा सभी अपॉइंटमेंट जो है उसे आप रद्द करें और आपको आकर इस व्यक्ति को चंगा करना ही पड़ेगा. Hallelujah. And Jesus asked them, okay. और यीशु ने पूछा, ठीक है. What has he done? क्या किया है उसने? And here's the answer. और गौर करें यहाँ पर. Verse 5 is the key. पांचवां वचन ये चाबी है. And the Jewish elders said, tell him, you know why he's deserving? It's the first thing, he loves our nation Israel. और देखिए क्यों वो इसके योग्य है. देखिए पांचवां वचन पहला जो उसने लिखा, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र इज़राइल से प्रेम रखता है. You see, in this end times, आप देखते हैं इन अंतिम दिनों में, in these times of pestilence, please, we are not through. You know, where people are talking about corona, but it's not corona, it's many nows are going to come. You have to be careful. आपको सावधान रहना है. You see, the first thing he says, you should come because this man, he loves Israel. और देखिए वे कहने लगे आपको आना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति, पहली बात ये है कि ये इज़राइल से प्यार करता है. You see, the Bible says. Bible कहती है. You see, when we are connected to this people, the Jewish people, when we bless them, when we pray for them, the prosperity, anointing, the grace of God will also come on our lives. और जब इन यहूदी लोगों से हम जुड़ते हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो समृद्धि का अभिषेक जो है वो हमारी जिंदगी पर आ जाएगा. God rejected them so that he could accept us. परमेश्वर ने उनको ठुकराया ताकि परमेश्वर हमको अपना सके. When we have compassion for the Jewish people, when we have compassion for these people, that oh God, let these people know you as their Lord, their Messiah. And I tell you, when you bless them, when you seek their good, that good will come on you. तो जब आप यहूदी लोगों के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, वे तुझे और यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में जाने, तो देखिए अच्छी बातें आपके ऊपर आ जाएंगी. But you see, this Gentile centurion. लेकिन आप देखते हैं इस अन्य जाति में के सूबेदार को. He loved the nation of Israel. वो इज़राइल राष्ट्र से प्यार करता था. And the second thing it says. और दूसरी चीज़ कहता है. He built us a synagogue. आगे लिखा है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है. In other words, they're saying he built us a house of God. दूसरे शब्दों में वो कह रहे थे कि उसने हमारे परमेश्वर घर बनाया है. How important is a house of God for Jesus? और यीशु के लिए परमेश्वर घर कितना मायने रखता है? You see, because you see, that's the place where Jesus used to go and minister to the people. Hey. आप देखते हैं वही वो जगह हुआ करता जहाँ पर यीशु जाकर लोगों की सेवा टहल करते थे. That's the place where he could go and heal the man whose hand was withered. और वहीं पर यीशु मसीह गए और उस व्यक्ति के हाथ को चंगा किया जिसका हाथ सूखा हुआ था, टेढ़ा था. The Bible says. Bible कहती है. Jesus would preach in the synagogues. और यीशु आराधनालय में प्रचार किया करते थे. It says that this was his custom, this was his habit to go into the synagogues and preach the gospel. और बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु की ये आदत थी, ये रीति थी कि वो आराधनालय में जाकर वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करते थे. Two things over here. दो चीजें हैं यहाँ. The first thing. पहली चीज. That this man, a Gentile. Somebody say a Gentile. कोई कहे अन्य जाति. Just like us. हमारे जैसा. He loved the nation of Israel. इज़राइल राष्ट्र से वो प्रेम करता था. The second thing. दूसरी बात. He built them a house of God. उसने उनके लिए परमेश्वर घर बनाया. When you build God a place where he can minister, the favor of God will be upon your life. और जब आप परमेश्वर के लिए ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर उसकी सेवा टहल किया जा सके, तो देखिए परमेश्वर की भलाई आपके ऊपर आ जाएगी. You see, when we, you know, earlier we did not even have a place where we could have intercession. और देखिए पहले तो हमारे पास ऐसी जगह भी नहीं थी जहां पर प्रार्थना विनती किया जा सके. And we used to have places like, you know, rented places and all things like that. और भाड़े पे जगह हम ले लिया करते थे, ऐसी चीजें थी सब. And one day the Holy Spirit said to me, son, build me a house. और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि बेटे मेरे लिए घर बनाओ. And honestly, I said, no, Lord, I don't want to get involved. ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कि प्रभु मैं इसमें फंसना नहीं चाहता, मैं नहीं बंद करूँगा. Every time I would see, there would be a burden, and I started talking to my leaders. Remember? और हर बार मुझ पर ये एक बोझ पड़ता था और मैं अपने अगुओं से बताने लगा ये बातें. I said, the Lord is speaking to me this. और मैंने कहा कि प्रभु मुझसे ये सब कह रहा है. And I said, God, from where will the money come? और मैंने कहा कि परमेश्वर कहाँ से पैसे आएंगे? And some of our leaders says, you need to take a tour, go to America, go to this. I said, no, I'm not going to with a begging bowl. There are enough bowls over there. और कोई अगुवा ऐसा कहने लगा हमारे कि तुम्हें बाहर जाना, बाहर के देशों में जाकर वहां से मांगना चाहिए. मैंने कहा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पड़े हुए हैं. कटोरा लेके. I said, मैं कटोरा मिनिस्ट्री नहीं चलाता, मैं प्रभु की स्तुति करने चला. Katora ministry. No, Katora. Bilkul nahi. And the Holy Spirit said, son, if I've told you for it, I will provide and I will bless my people. Aur pavitra atma ne kaha ki agar maine tumse kaha hai mere bete, to main uska intezam bhi karunga aur main apne logon ko aashish dunga. The people that started
giving. They were ordinary dishwashers and ordinary people. When they started giving to God's work, we built it. We would go in the mud, kneel down in the mud, take oil and put it. And the builder would not do it. It was a small place because he said, paisa nahi hai. And we would put oil and pray and say, God, who has done it? And everyone, those who gave to that work, I tell you, God has prospered them. और हर एक व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर काम के लिए दिया था, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने समृद्ध बनाया है। Two keys over here. दो चाबियां हैं यहां पर। The first thing, पहली है, is to love God's people, not only Israel, but also the spiritual Israel. Tell your neighbor, you are spiritual Israel. परमेश्वर के लोगों से प्यार करना सिर्फ शारीरिक भौतिक इज़राइल से ही नहीं, लेकिन आत्मिक इज़राइल जो he आप loves, सब लोग हैं। He loves our nation. वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है। The Bible says you are a royal priesthood, a holy nation. और बाइबल कहती है कि आप राजसी याजक पद के और एक पवित्र राष्ट्र हैं। The first key, पहली चाबी, is to love God's people. वो है परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना। Healing will begin to flow in your life. चंगाइयां बहने लगेंगी आपकी जिंदगी। Deliverance will begin to flow in your life. छुटकारा बहने लगेगा आपकी जिंदगी। You don't have to work up the drums. You don't have to beat the drum. Budum budum budum. आपको ड्रम पीटने की कुछ जरूरत नहीं है। And then healing. Oh, now I feel okay. All right. तब चंगाइयां। Oh, अभी मुझे महसूस हो रहा है। No, no, no. नहीं, 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 नहीं। You see, it's a principle. आप देखते हैं एक सिद्धांत है। When you tap into it will start happening. और जब आप इसमें कदम रखते हैं तो चीजें होने लग जाती हैं। Money, opportunities, divine relationships will begin to flow in your life. Who's receiving? You need to pull it down. धन, दौलत, दैवीय अवसर, ये सारी चीजें आपके सामने बहने लग जाएंगी। कौन ग्रहण कर रहा है? ग्रहण है। There are many smart people out there. और बाहर बहुत सारे होशियार लोग हैं। But you are wise in the ways of God. लेकिन आप परमेश्वर के रास्तों में बुद्धिमान हैं। You know, you may be a broken person. भले आप टूटे हुए व्यक्ति होंगे। You may make many mistakes in life. हो सकता है जिंदगी बहुत सारे आपसे गलतियां When you tap into this principle, लेकिन जब आप इस सिद्धांत में कदम रखते हैं, I tell you for God's glory, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, there will be a reversal, poverty will turn into prosperity. एक पलटने का काम होने लगेगा, आपकी गरीबी समृद्धि में बदल जाएगी. In the name of Jesus, यीशु के नाम में, this man is deserving. और ये व्यक्ति इसके लायक है. Why? क्यों? Because he loves God's people. क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों से प्यार करता है. And he has built us a synagogue. और उसने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है. Read verse 6 right now. अब छठे वचन को पढ़ें. Then it says, then Jesus went with them. देखिए वचन कहता है फिर यीशु उनके साथ गया. Today I pray that Jesus go with you. आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु आपके साथ जाए. Receive it, hallelujah. ग्रहण करें, hallelujah. In the name of Jesus. यीशु के नाम ग्रहण करें. Will make the Creator to him all things were made. What will make him to go with you? क्या चीज वो सृष्टि करता जिसे सब कुछ बनाया है वो आपके साथ जाएगा? ऐसी कौन सी बात है जिसे यीशु को मजबूर करेगा आपके साथ जाने के लिए? और एक ही दिन नहीं, हमेशा. हालेलुया. जीसस वेंट विथ देम. यीशु उनके साथ गया. व्हाट इज दैट थिंग ओ गॉड? क्या वो चीज है प्रभु? लविंग गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों से प्यार करना. सेकेंडली, दूसरी चीज, बिल्डिंग अ हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर बनाना. इट्स नॉट ओनली लाइक फास्टिंग प्रेयर. फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर इज इंपॉर्टेंट. और सिर्फ यही नहीं, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना मायने रखती है. बट देयर आर थिंग्स व्हिच टैप द फेवर ऑफ गॉड. देयर आर थिंग्स दैट ब्रिंग डाउन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. देयर आर थिंग्स दैट ओपन डोर्स ऑफ गॉड. ऐसी चीजें परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे ले आती है. ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के और से आने वाले दरवाजे खोल देती है. दिस जेंटाइल सेंचुरियन, टू प्रिंसिपल्स. ही सेज ही लव्स आवर नेशन. इवन द अदर्स न्यू इट. ही लव्स गॉड्स पीपल एंड ही सेज ही हैड बिल्ट अस अ हाउस ऑफ गॉड. और देखिए, इस अन्य जातीय व्यक्ति ने दो प्रकार से दरवाजे खोल दिया था. देखिए, पहला यह है कि वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है, और दूसरा यह है कि उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है. वर्स 6 सेज, एज वी रेड इट ऑलरेडी, देन जीसस वेंट विद देम. द क्रिएटर वेंट विद देम. द प्रेजेंस ऑफ गॉड वेंट विद देम. आई प्रे टू गॉड दैट यू विल कैच दिस मैसेज. And the Lord will not only be with you for a season, He will be with you till you see His face in heaven. Hallelujah. और आगे कहते हैं, यीशु उनके साथ गया, सृष्टि करता उनके साथ गया. प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन को ग्रहण कर लें और प्रभु के चेहरे को आप देखने पाएं. सिर्फ अभी नहीं, लेकिन जब वो दोबारा आगमन में आएंगे तभी भी वो आपके साथ चले और आप उसका चेहरा देखें. I pray that you tap into these two principles. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन दो सिद्धांतों में कदम रखें. Now let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते हैं. And when he had already gone not far from the house, the centurion said, Lord, don't trouble yourself. Just, you know, I'm just paraphrasing. It says, just say the word, verse 7, and my servant will be healed. पर जब वह घर से दूर नहीं था, तो सुबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख मत उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए. बस वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. Said everyone, the word brings healing. सभी लोग कहें, वचन चंगाई लाता है. Yes.
In these end times, in antim samay mein, how can we protect ourselves from these sicknesses, these things that's coming our way? Kaise hum apne aap ko bimariyan aur in mahamariyan jo aa rahi hain unse bachaye rakh sakte hain? People are distressed. Log hatasha mein hain. What to do? Kya kare? One after another things are happening. Ek ke baad dusri cheeze hoti ja rahi hain. I want to tell you what will protect us. Main aapko batana chahta hu kya cheez humko bachaye rakhegi? What will inoculate us? Kya hame salamat rakhegi? It is the word of God. Yeh hai parmeshwar ka vachan. It is the word of God. Yeh hai parmeshwar ka vachan. I tell you, there are so good doctors, so powerful doctors, but even sometimes they said we don't understand what's happening, but there is one thing that will protect us. It is the word of the Lord. Aur bahut sare acche doctor hain, lekin kabhi kabhi ve bhi chakra jate hain aur kehte hain ki hame samajh mein nahi aa raha kya kare, lekin main aapko batana chahta hu ye parmeshwar ka vachan hi hai jo aapko salamat rakhega. As the pastor of the church, I want to tell all the people listening to me right now, ek pasban hone ke nate main sabhi logon se kehna chahta hu jo meri sun rahe hain is waqt, every day get into the word. Har ek din vachan ko padhe. Don't you know, you can be busy with marriage, you can be busy with outings, you can be busy with what else do you have, picnics and aur dekhe chahe to aap shaadi ke karyon mein, picnic ke karyon mein, samajik karyon mein vyast reh sakte hain, but do you stop eating? Lekin kya aap khana band kar dete hain? You don't stop eating physically. In the same way, you need to eat spiritually. आप शारीरिक तौर पे खाना बंद नहीं करते, उसी तरीके से आपको आत्मिक आहार भी खाते रहना चाहिए. A spirit that is fed will repel sicknesses. A spirit that is fed will repel demonic powers. वो आत्मा जो आहार को खा रही है बीमारियों को दूर करेगी. वो आत्मा जो आहार लगातार खाती रहती है दुष्शक्तियों को दूर करेगी. This is how in this end times we will lead healthy lives, proper stable minds for the glory of God. और इसी तरीके से अंतिम समय में देखिए हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और हमारा मानसिक संतुलन भी स्वस्थ रहेगा परमेश्वर की महिमा के लिए. See what the scripture says over here. और देखिए वचन क्या कहता है यहाँ पर. He says when Jesus heard it, he marveled. He said, I have not found such great faith, not even in Israel. और यीशु ने ये सुनकर देखिए आगे वचन में लिखा कि अचंभित हो गया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो पीछे आ रही थी कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा. Many people in our church, in many churches, they believe that only when the pastor lays the hands. देखिए बहुत सारे कलीसिया में ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब पासबान अपना हाथ रखते हैं. When the man on the stage will lay his thy hands on thyest headest, no, जब मंच पर का वो व्यक्ति, then I will be healed. जब मंच पर का वो व्यक्ति आकर जब अपना हाथ रखेंगे तभी मुझे चंगाई मिलेगी. Says great is your faith. तेरा विश्वास बड़ा है. You know Jesus is looking for people who will believe his word and receive, and he will say, I have not found such faith even in Israel, my people. परमेश्वर ऐसे लोग तलाश में हैं जो उसके वचन को सुनकर ग्रहण करेंगे और फिर यीशु कहेगा कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया.